हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्रंथिकार आउटलैंडर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बात एक सस्पेंशन की, कार के किसी भी प्रकार के सस्पेंशन में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका फिक्स करने का प्रोसेस है वो क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जो कार हमारे पास आई है उसमें क्या प्रॉब्लम थी और उसे हमने कैसे फिक्स किया ये भी बात करेंगे। तो आज जो हमारे पास है वो है स्कॉर्पियो, जिसके सस्पेंशन में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ थी। नॉइस के साथ साथ गाड़ी में बम्प बहुत था। गाड़ी कभी भी किसी भी जगह में चलने पर एक ही साइड जाती थी, या लेफ्ट या राइट ऑटोमेटिकली, ऐसा कुछ हो गया था। इसके बाद उनके इंजन ऑयल्स वगैरह है ये वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी गाड़ी में। कार हमारे पास लेकर आए, हमने प्रॉपर डायग्नोस किया और उसमें जिस जिस पार्ट की जरूरत थी, जिस जिस कंपोनेंट में बर्नआउट हो गया था, वो सारे के सारे कंपोनेंट हमने निकाल कर बाहर पूरे बगरा दिया। क्योंकि आप जानते हैं, स्कॉर्पियो हो, इनोवा हो, एक्सयूवी हो, किसी भी एसयूवी मॉडल की गाड़ियों की बात करने वो जानी जाती है अपने कंफर्ट लेवल को लेकर, और अगर उसमें कंफर्ट नहीं मिल रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि वो गाड़ी गाड़ी नहीं है। हमेशा आप याद रखिए, किसी भी अच्छी से अच्छी गाड़ी में सस्पेंशन का वर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्मूथ राइड मिलेगी, एक रिलैक्स राइड मिलेगी। अभी हम इस कार में एक रिलैक्स और स्मूथ राइड के लिए इसमें सारा का सारा सस्पेंशन में वर्क करने वाले हैं। इसके सस्पेंशन में सारे सॉकर खराब थे, इसके आर्म खराब थे, इसके आर्म में जो वोसेस होते हैं काफी ज्यादा बर्नआउट थे, जो जितने भी लिंक रॉड वगैरह थे ये सारे के सारे आवाज कर रहे थे। ये सारा कुछ हमने ओपन कर दिया और इसके बाद इसके सारे के सारे न्यू पार्ट डाला। न्यू पार्ट डालने के साथ साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो न्यू पार्ट हम डाल रहे हैं वो प्रॉपर उसी अलाइनमेंट में या उसी तरीके से लग रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर भी आपको न्यू सस्पेंशन में वर्क करने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आउटकम हम आपको वीडियो के एंड में जरूर दिखाएंगे, जब तक आप वर्किंग देख लीजिए कैसी होती है वर्किंग और कैसा किया हमने इसमें वर्क, और इसके बाद लास्ट में हम आपको दिखाएंगे ये इसका रिजल्ट कैसा आया और कस्टमर के रिव्यू भी लेंगे, जिससे आपको पता चले कि काम कैसा हुआ।
फाइनली फ्रेंड्स, हमने स्कॉर्पियो का सस्पेंशन का वर्क कंप्लीट कर दिया है और अब इसकी हम एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव लेंगे। अभी हम कार को ले जा रहे हैं एक टेस्ट ड्राइव में और इस टेस्ट ड्राइव में आपको पता चलेगा कि जब सस्पेंशन का वर्क हो जाता है तो गाड़ी कितनी स्मूथली चलती है, हमारे सस्पेंशन से जर्क नहीं आता है। जैसे कि आप देख रहे हो हमारा सस्पेंशन कितना स्मूथ हो गया है, इसके शॉकर वगैरह हमने चेंज किया था और ये हम अभी जो रोड लाए हैं ये रोड है एकदम मडी सी, देख रहे हो आप कितने ज्यादा गड्ढे वगैरह हैं। इन गड्ढों में अभी हम ये गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं और ये टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। देखिए सस्पेंशन में पहले इतनी ज़्यादा आवाज़ थी और जर्क इतना था कि जैसे हम ये जो गड्ढों से कुदाते थे तो कस्टमर का कहना था कि हमारी कमर जो है वो बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो जाती। अभी तो कमर मेरी तो नहीं लग रही टेढ़ी क्योंकि इसमें सारा का सारा सस्पेंशन वर्क कंप्लीट कर दिया है। आइए सर से जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा, इनका हमारे टेक्नीशियन के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो सर हमारे व्यूवर्स को आप बताइए। बहुत अच्छा रहा, अच्छा काम हुआ, पहली बार आया हूँ लेकिन अभी अच्छा है। अभी आप हमारे साथ टेस्ट ड्राइव में गए थे तो आपको कैसा फील हुआ? नहीं, गाड़ी बनी है, अच्छी बनी है गाड़ी, जब पहले जो थे वो ख़त्म हो गए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया आपने बताया। हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि कैसा काम होता है और लोग दूर दूर से आते हैं हमारे पास तो उनको कोई गलत फीडबैक भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा बहुत से लोग मिथ फैलाते हैं ना कि वहाँ पर काम अच्छा है, यहाँ पे अच्छा नहीं है, तो हमारे सारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो जान लें कि हम लोग जो काम करते हैं वो एंड फिनिश बहुत अच्छा देते हैं और एंड फिनिश हम ऐसा करके देते हैं कि कस्टमर हमेशा के लिए उस चीज़ से फ्री हो जाए जो काम हमसे करा के जा रहे हैं। तो ये तो थी स्कॉर्पियो के बारे में बात, लेकिन हम छोटी सी एक डिस्कशन करते हैं कि अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी कार में कंफर्ट लेवल सही नहीं मिल रहा है या जैसी न्यू कार आपने लेके आए थे वैसी कार में कंफर्ट लेवल सही नहीं मिल रहा है, नीचे से आवाज़ें आ रही हैं, एक तरफ गाड़ी कहीं पर भी जा रही है लेफ्ट या राइट, इस टाइप से किसी भी प्रकार की या बंप कर रही है गाड़ी, कभी भी ब्रेक लगाने पर रुक नहीं रही है, वो ऐसे 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 से लहरा रही है, तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो कि हमारी जो कार है उसमें सस्पेंशन को ख़राब होने के इंडिकेशन देते हैं। अगर इस टाइप से किसी भी प्रकार का इंडिकेशन आ रहा है तो आप हमें याद कर सकते हैं, आप हमारे स्टोर विजिट कर सकते हैं आउटलैंडर कार वर्कशॉप ईडन गार्डन लालीपुर मंडला में, हम आपको न्यू सस्पेंशन बना के देने की फुल ऑन गारंटी देते हैं। तो कैसी लगी आपको ये सस्पेंशन की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अगर किसी गाड़ी में कंफर्ट नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।